सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियोस, रिव्यू वीडियो बोल सकते हैं आप इसको। एंड मैं खड़ा हुआ हूँ भाई फेज टू इंडस्ट्रियल एरिया, नेक्सा मारुति सुजुकी नेक्सा। एंड भाई आज हम रिव्यू करने वाले हैं आपकी वन एंड वन फेवरेट गाड़ी, जो कि है बाइक ग्रैंड विटारा। एंड भाई ये टॉप एंड वेरियंट है जो कि है स्मार्ट हाइब्रिड। ओके भाई, ये तो भाई पहले आप इसकी साइड लुक देख लो, सारी प्रोफाइल देख लो आप इसकी, मतलब ऑल ओवर कुछ इस तरह की प्रोफाइल है भाई इसकी। एंड भाई ब्लैक कलर आता है इसके डेल्टा प्लस, और भाई अल्फा प्लस में सिर्फ ब्लैक कलर मिलता है आपको, स्मार्ट हाइब्रिड है ये। एंड भाई कुछ बैक से इसकी ऐसी कुछ लुक है, डिफोवर वगैरह डिटेल्स से बात करें हम इसमें आपकी, क्या क्या आपको क्या क्या चीज़ आपको इसमें मिल जाते हैं, क्या क्या फंक्शंस वगैरह मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको इसमें। ऑटोमेटिक मैनुअल आपको दोनों वेरिएंट मिलते हैं, डेल्टा प्लस और अल्फा प्लस में आपको ब्लैक कलर्स मिलता है आपको, जेड ब्लैक भाई और अमेजिंग लगती है अंदर खड़ी हुई है वो। बट भाई मैं उसको थोड़ी सी लुक आपको दिखा दूंगा। तो भाई कुछ इस तरह इसकी टाइल प्रोफाइल है, आगे पीछे आपको इसमें डिस्क मिल जाते हैं। इसकी ये टायर प्रोफाइल मैं आपको बता देता हूँ कितनी है, टायर प्रोफाइल है इसकी 215/60/17 इंच अलॉय व्हील मिलते हैं। एंड भाई 60 की इसकी ये चौड़ाई होगी और ये 215 ये फ्रंट के हो गए। एंड भाई कुछ इस तरह मिल जाता है गाड़ी के ऑल ओवर लुक, बाहर से आपने गाड़ी देख ली भाई, फ्रंट में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है कुछ इस तरह है। आपके ये थोड़े थोड़े से आपको ग्रिल देख सकते हो आप, उसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड भाई DRL मिल जाते हैं, इसी में आपको इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। एंड भाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। एंड भाई फोग लैम्प वगैरह आजकल ट्रेंड चल रहा है गाड़ियों में, फोग लैम्प नहीं दे रही है कंपनियां, धीरे धीरे फोग लैम्प गायब कर रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था शॉर्ट्स में, बट आप देखो भाई। एंड डायमंड कट अलॉय व्हील्स लग रहे हैं मुझे, बाकी आप बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन से अलॉय व्हील है ये। एंड भाई 360 व्यू कैमरा मिल जाता है आपको इसको, आपको इसमें। एंड सनरूफ मिल जाती है जो कि है पैनानोमिक सनरूफ, आप देख सकते हो, पैनानोमिक नहीं मिलती है सॉरी, इसमें सिंपल वाली है। एंड 360 व्यू कैमरा मिल जाता है, साइड इंडिकेटर पे टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, साइड मिरर पे सॉरी। एंड भाई रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। और पीछे बात कर लेते हैं अपने, तो डिफोगर लाइन मिल जाती है आपको, बैक वाइपर मिल जाता है। एंड इसकी टेल लाइट देख लो आप, कनेक्टिक टेल लैंप है ये। एंड पीछे आप देख सकते हो, नीचे आपको वही हेलोजन टाइप में आपको इंडिकेटर्स एंड पार्किंग लाइट पीछे वाली। एंड भाई रिफ्लेक्टर कुछ इस तरह है, पीछे से इसका कुछ लुक है। शार्क फिनिंग एंटीना मिल जाता है आपको, टॉप एंड वेरिएंट। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर भाई जो ब्लैक कलर के शौकीन है ना, जो बिल्कुल ये बोलते कि भाई हम तो ब्लैक लवर ही है, वो आपको स्मार्ट हाइब्रिड में ब्लैक कलर मिलेगा, अल्फा प्लस और डेल्टा प्लस में मिलेगा, सिंपल में नहीं मिलेगा आपको ब्लैक कलर। एंड भाई चलो अंदर से बात कर लेते हैं, भाई अब बात कर लेते हैं अंदर से गाड़ी के इंटीरियर की। डुअल टोन इंटीरियर मिलता है आपको इसमें, यहाँ पे लेदर फिनिशिंग मिलती है आपको, हार्ड टच मिल जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं लॉक अनलॉक। एंड भाई मिरर एडजस्टेबल मिल जाता है। एंड भाई सीट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल नहीं मिलती है, आपको मैनुअली ही मिलती है। स्पीकर्स मिल जाते हैं, बोतल के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। एंड भाई कुछ इस तरह है इसका, अगर आप देखोगे तो आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा, ड्यूल टोन इंटीरियर। एंड भाई सॉफ्ट टच फिनिशिंग है यहाँ पे, ये हार्ड टच हो गया अपना। MN लाइट में आपको इसमें नहीं मिलती है आपको MN लाइट। एंड बात कर लेते हैं भाई, अब स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ से है, गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है, ये अपना लीवर। ओ भाई अब आप देख लो इसका इंटीरियर बिल्कुल यार, वाह भाई 360 व्यू कैमरा स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। भाई म्यूट कर देते हैं, इतना बड़ा चैनल नहीं है हमारा यार, कॉपीराइट आ जाता है फालतू में। एंड भाई ऑटोमेटिक डे एंड नाइट एडजस्ट कर लेता है ये मिरर अपना बैक के लिए। एंड भाई कुछ इस तरह है, सनरूफ है इसकी, आप पूरा देख सकते हो, जो ये कवर होता ना ये आजकल है ना, इसको मतलब आजकल नहीं यार, काफी टाइम हो चुका गाड़ी के आए, मैं थोड़ा लेट बना रहा वीडियो, बट ये है ना, ये बोलते हैं कि भाई क्या दे दिया गाड़ी ने, क्या दे दिया भाई, बहुत अच्छा दिया है ये, ठीक है इसका क्या काम है, अगर ये गर्मी वगैरह अंदर नहीं आने देता, ऑब्जर्व करके कर लेता है। एंड भाई कुछ इस तरह इसका इंटीरियर स्टार्ट हो जाता है, 12 इंची का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 12-12.5 इंच के अराउंड मिलता है, एंड्रॉयड प्लस एप्पल कारप्ले एंड वायरलेस चार्जर्स वगैरह मिलता है आपको इसमें। एंड भाई जो इसका एक सेकंड टॉप मॉडल आता है ना,
जो स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है उसमें आपको वेंटिलेशन सीट्स नहीं मिल, वेंटिलेटर सीट्स उसमें मिलती है, इसमें नहीं मिलती है। एंड भाई कुछ इस तरह आपका ये भाई ओडोमीटर आ जाता है, ओडो क्लस्टर कुछ इस तरह का है भाई, आप देख सकते हो डिजिटल भी है और थोड़ा हा वैसा भी है, मतलब हाफ आप बोल सकते हो आप इसको। एंड भाई पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं आपको गाड़ी में, यहाँ पे आपको MID कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं म्यूट वॉल्यूम के, एंड भाई क्रूज कंट्रोल सेट वेट, एंड भाई ये MID के सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरह के AC इवेंट मिलते हैं, ट्विटर यहाँ पे मिल गया आपको, डिफोगर लाइट वगैरह में मतलब उसके लिए, एंड वहाँ पे भी आपको एक ट्विटर वहाँ पे मिल जाता है दिख रहा होगा आपको, दो ट्विटर आगे मिल जाते हैं। पियानो फिनिशिंग की तरह लग रहा है, लेदर फिनिशिंग है ये, सॉफ्ट टच हार्ड टच नहीं है। एंड भाई कुछ इस तरह से ग्लव बॉक्स है इसका, ऊपर नहीं है नीचे नीचे है। एंड भाई कुछ इस तरह से इसकी फिनिशिंग है, ये आपका ऑटोमेटिक गेयर नॉक का, जो आप पी से पार्किंग, आर से रिवर्स, एन से न्यूट्रल, डी से ड्राइव, एम से मैनुअल आप उसको चला सकते हो USB पोर्टिंग के लिए यहाँ पे। और ये स्पेस देख रहे हो काफी अच्छा स्पेस दे रखा है, 12 से 120 वोल्ट तक यहाँ पे ये देख रहे हो चार्जिंग के लिए दे रखा है, सॉकेट है ये। और भाई ट्रैक्शन मोड मिल जाता है आपको। और भाई बात कर लेते हैं अब AC की, तो AC के लिए आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, 1000 लाइट के लिए ये आपके लिए है। वायरलेस चार्जर इसमें नहीं है ठीक है, बट इसमें आता होगा तो यहाँ पे पैड वगैरह यहाँ पे रख देते हैं, आजकल अलग से आ रहे हैं बट इसमें नहीं है। तो ये कुछ इस तरह है इसका, आगे से फ्रंट से था, ये इसका इंटीरियर है, ये इसका आर्म रेस्ट है। एंड भाई ये सनरूफ है, ऐसे खुलती है अपनी ठीक है, और ये खुल चुकी है। अब इसको पुश करो तो अब ओपन करने के लिए ये देखो ठीक है भाई, अब इसको ओपन कर देते हैं, ये ओपन हो रही है, वन टच है। एंड भाई पूरी खुल जाती है, पूरी बड़ी सनरूफ है यार, पैनारोमिक सनरूफ है, सिंपल वाली नहीं है, पैनारोमिक सनरूफ है भाई इसमें। एंड भाई यहाँ पे आपको मिरर देखने को मिल जाता है लाइट के साथ, वैनिटी मिरर यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर लाइट के साथ देखने को मिल जाता है। ये आपके कैबिन लाइट हेलोजन ही है, कंपनी ट्राई कर रही है, अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है DRL टाइप की, उस पर क्या बोलते हैं अपनी LED टाइप में शिफ्ट हो रही है, बट अभी ये है। एंड भाई कुछ सीट्स इस तरह की है, इसमें आप देख सकते हो सीट्स कमाल की है भाई, लेदर फिनिशिंग, थोड़ी थोड़ी लेदर फिनिशिंग दे रखी है इसमें। एंड भाई कुछ इस तरह इसका इंटीरियर था। आगे से अब बात कर लेते हैं पीछे की, पीछे चल के बात कर लेते हैं, पीछे देख लेते हैं भाई क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो भाई अब चलते हैं पीछे, नी रूम वगैरह देखते हैं कैसे क्या आता है। यहाँ पीछे भी भाई बिल्कुल सॉफ्ट टच दे रखी है, ऐसा नहीं है कि आगे सेफ्टी एंड फीचर्स प्रोवाइड कर रखे, एंड भाई आरामदायक आर्म रेस्ट के लिए ऐसा नहीं है, पीछे भी दे रखी है। पीछे चलते हैं भाई, पीछे दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई पीछे से ग्रैंड विटारा भाई। एंड भाई अगर आप बात कर लेते हैं टोयोटा में और लैंड क्रूजर ठीक है। एंड भाई यहाँ पे आपको कोई मतलब ये नहीं है कि भाई आगे कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। एयरबैग 6/27 में एयरबैग की बैचिंग ये रही। एंड भाई ये लाइट हेलोजन वाली अपनी कैबिन लाइट पीछे भी दे रखी है, ये अपने रीडिंग वगैरह करनी है आपको, बुक्स वगैरह दोनों साइड है, बीच में सनरूफ के वजह से नहीं आती है। एंड भाई ग्रिप हैंडल, एंड भाई पीछे से आप देख सकते हो AC इवेंट आप मैनुअली आपको ऑपरेट करने पड़ेंगे, चार्जिंग सॉकेट दो आगे दो पीछे ठीक है भाई। एंड सीट्स इसका कुछ इस तरह है, ये कप होल्डर आर्म रेस्ट बीच में। एंड भाई हेडरेस्ट है ना, तीनों में पीछे भी मिल रहे हैं, तीन और दो पांच, दोनों मतलब सॉरी पांचों मिल रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है बीच में नहीं देते हैं कई बार, पर बीच में भी दे रखा है। स्पीकर आपको मिल जाते हैं दो और दो, चार स्पीकर मिल जाते हैं इसमें कुछ इस तरह भाई पीछे के। यार भाई ये स्पेस देख लो आप, नी रूम का स्पेस देख लो, काफी अच्छा स्पेस है। एंड भाई इसका भी वही रेशियो है सीट्स वगैरह का, 40-60 का, आप इसको फोल्ड कर सकते हो सीट्स को, ये हैंडल है 40-60 वही रेशियो आता है जो आपको उसमें आता है ग्रैंड विटारा में, सॉरी ये ग्रैंड विटारा ही है ब्रेजा में ठीक है। एंड यहाँ से आप इसको फोल्ड वगैरह कर सकते हो। और भाई अब बात कर लेते हैं डिग्गी की, डिग्गी दिखा देते हैं आपको, ये कंपनी ही देती है आपको कर्टन्स वगैरह लगा के बाहर से। इनका बेसिकली काम क्या होता है, धूप वगैरह और भाई पानी वगैरह बारिश वगैरह आते हैं ना, वो अंदर यहाँ से गलने स्टार्ट हो जाते हैं डोर वगैरह, तो ये नहीं गलने देती है, ये यहाँ से सीधा पानी आ जाता है। तो बात कर लेते हैं पीछे अब डिग्गियों कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, बूट स्पेस आपको मिलता है 375 लीटर। एंड भाई कुछ इस तरह इसकी कनेक्टिंग
टेल लाइट्स मिल जाती है आपको, ये देख रहे हो आप, पैचिंग मिल जाती है सुजुकी की। एंड ये अपना बैक रिवर्स कैमरा मिल जाता है, चाबी से भी अनलॉक कर सकते हैं, बट यहाँ से अनलॉक कर लेते हैं भाई। अब 365 लीटर आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे भी दे रखा है आपको। एंड ये यहाँ पे वेट कैरी के लिए डाला हुआ है, कुछ इस तरह है का बूट स्पेस है। एंड इसका ये स्पेयर व्हील मिल जाता है गाड़ी में आपको, यहाँ पे मिलता है, इसको इस तरह फोल्ड करते हैं तो पीछे आपने देख लिया। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है थोड़ा बहुत स्पेस रखने के लिए, ठीक है। एंड भाई कुछ पीछे से कुछ इस तरह की लुक थी इसकी। एंड भाई यहाँ से आपको इसको ऐसे पकड़ के, एंड ये बंद हो गया, ठीक है। पीछे से कुछ इस तरह लुक थी इसकी, डिफोवर आपको मिल जाते हैं पीछे वाले शीशे पे। एंड भाई वाइपर मिल जाता है आपको, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। सो गाइस ऑल ओवर आपने लुक देख ली, थोड़ी बहुत डिटेल्स जो मैंने बता दी आपको सारी, थोड़ी बहुत रह गई हो तो 360 व्यू मैंने आपको बता दिया। कैमरा ये रहा, आप देखोगे तो ये है कैमरा, ठीक है। 360 व्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है, दोनों साइड पार्किंग ये रिपेयर सेंसर देखने को मिल जाते हैं लॉक अनलॉक के। एंड भाई अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, स्मार्ट हाइब्रिड है ये, स्मार्ट हाइब्रिड का इंजन कैसा होता है अब उसकी बात कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को दिखाते हैं कैसा लगा आप मेरे को बताना। सो भाई अब बात कर लेते हैं इंजन की, स्मार्ट हाइब्रिड का इंजन देखने के लिए मेरे भाई बेताब हो गए। तो भाई कुछ इस तरह का इसका इंजन आता है, जो कि भाई आपको मिलता है 102 bhp की पावर 6000 rpm पे और 136.8 nm का टॉर्क मिलता है 4400 rpm पे। और भाई 21.11 की माइलेज क्लेम करती है कंपनी, और 950 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और भाई चार सिलेंडर के साथ 1500 cc इंजन के साथ आती है ये, DOHC प्लेटफॉर्म पे, मतलब टेक्नोलॉजी DOHC टेक्नोलॉजी पे ये इंजन रिफाइन होता है। इतना रिफाइन इंजन है भाई, आप गाड़ी चलाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी इसकी टेस्ट ड्राइव भी करूँगा मैं, टेस्ट ड्राइव में आपको बताऊँगा कैसा कैसा महसूस होता है गाड़ी चलाने पर। एंड भाई कुछ इस तरह यहाँ पे वॉशिंग के लिए एंड कूलेंट वगैरह के लिए ये है अपना, और भाई कुछ इस तरह का ये इसका इंजन है स्मार्ट हाइब्रिड का। अब भाई इसको टेस्ट ड्राइव करके वो भी बता देता हूँ मैं आपको। एयर बैग इसमें 6 मिलते हैं। एंड भाई लेंथ इसकी मिलती है 4345 mm, 1795 ml इसकी विड्थ मिलती है, हाइट मिलती है 1645। एंड भाई इसका व्हील बेस साइज़ है 2600 mm का है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस तो मैं आपको बताना भूल गया, 216 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और भाई इसमें जो कर्व वेट है इसका 1150 kg इसका कर्व वेट है टोटल। एंड भाई और भाई सेफ्टी की बात कर ले तो आपको मैंने आपको बता दिया था, इसमें 6 एयर बैग्स मिलते हैं एंड रेटिंग आपको पता ही है, काफ़ी अच्छी रेटिंग जा रही है गाड़ी की। कोई मतलब ये नहीं बोल सकते आप कि भाई सुजुकी वाले काम नहीं कर रहे, अब भाई इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं मारुति सुजुकी वाले धीरे धीरे अपनी गाड़ियों में चेंजेस वगैरह करके। और भाई लोगों को शिकायत भी है कि अपनी ईवी गाड़ी क्यों नहीं ला रहे मारुति वाले, भाई इनकी जब ईवी गाड़ी आएगी ना तो लोग पागल हो जाएंगे, क्योंकि ये ईवी जो अपनी लॉन्च करने वाले ना वो स्विफ्ट गाड़ी में लॉन्च करने वाले हैं जहाँ तक मुझे पता है। बाकी आप भाइयों को बता दो कमेंट बॉक्स में बताना। एंड भाई कमाल की गाड़ी निकाल रखी है, तो इसको हुड को पहले बंद कर लेते हैं। तो भाई आपने ये देखी है ग्रैंड विटारा स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी है, अल्फा डेल्टा प्लस में आपको ब्लैक कलर मिल जाता है जो अंदर खड़ा हुआ है। एंड ऑटोमेटिक आती है, मैनुअल भी आती है गाड़ी, क्रोम फिनिशिंग आपने देख ली, DRL आपने देख लिए, इंडिकेटर्स वगैरह इसी के साथ ही है। तो गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एंड भाई बहुत सारी गाड़ियों के रिव्यू आने वाले हैं, अभी इस प्लानो की भी करूँगा मैं जो, और एक 2023 में एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है सुजुकी वाले की, उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है आप सभी को, मैं उस गाड़ी का भी रिव्यू करने वाला हूँ। तो भाई अब इसकी ड्राइविंग मैं आपको एक्सपीरियंस करके बताता हूँ कैसी है कैसी नहीं है। एंड भाई एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये है टेंटेड ग्लासेस जो थोड़े थोड़े से ना आपको ग्रीन दिख रहे होंगे, ये भाई ना ही कोई फिल्म वगैरह चढ़वा रखी इन पे, इनको टेंटेड ग्लासेस बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल है ये। तो भाई अभी टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस मैं लास्ट में वीडियो डालूंगा, तो आप भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे एक अनदर वीडियो में। सो भाई टेक केयर, बाय बाय।